नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे उसी पुराने प्यारे से YouTube चैनल संतोष यादव मैथ्स पर। और अगर आपको याद होगा, पिछली बार जो मैंने चर्चा की थी कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर के स्क्वायर्स की, उसी चर्चा को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, हल्का सा मैं क्यूब की तरफ जाऊंगा। और इसी बीच में मैं आपको याद दिलाऊंगा, मैंने ये बोला था वैसे देखा जाए तो ये एवरेज की बात कम, अब कि एडवांस वाले पोर्शन में बोलूं नंबर सिस्टम या सीरीज या सीक्वेंस या एल्जब्रा की फीलिंग वाली बातें ज्यादा है। लेकिन क्योंकि हम इस रास्ते से गुजर रहे थे, हमने सोचा इस रास्ते से गुजर ही रहे हैं तो थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। तो आज थोड़ी सी और चर्चा करूंगा, आपको पूरी तरह से मजा आएगा, दिमाग हिल के रह जाएगा, दिमाग कि एकदम बत्ती जल जाएगी, आतंक सा मच जाएगा, ठीक है। लेकिन उसी के साथ साथ मैं थोड़ी सी ये चर्चा करूंगा, थोड़ी सी ही चर्चा करूंगा, लेकिन वही चर्चा आपके लिए काफी सोचनीय और विचारनीय होगी। उसी के साथ साथ मैं कुछ एवरेज के और कुछ घिसे पिटे सवाल रखूंगा जो आपकी नॉलेज के लिए या आपकी लर्निंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, ठीक है। तो आज पहले मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर में आपका 2017 में भी इससे जुड़ा हुआ सवाल आया और पहले भी आ रखा है, एक छोटा सा सवाल प्रस्तुत करता हूं, उसी सवाल के साथ हमारी शुरुआत होगी। एंजॉय करना, कमेंट करना, लाइक करना और मजा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल मैंने प्रस्तुत किया, ये आपके मेंस में आया हुआ है, देखना सिंपल सा सवाल, सोचनीय है, विचारनीय, बहुत कुछ सिखा जाएगा, कई बार छोटी छोटी बातें बहुत कुछ सिखा देती है। देखना सर, सवाल क्या है, ऐसे बोला था कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा ही था। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही था। इसका सम पूछा था, इवन तो हमारी एवरेज की बात हो रही है तो चाहता तो इसमें वो एवरेज भी पूछ सकता था, तो हमारा सम पूछा था। और मैंने आपकी खुशी के लिए ऐसे ही ऑप्शन रख दिए, कुछ ऑप्शन इस प्रकार थे, और जब भी मैं ऑप्शन रख रहा होता हूं तो उनका कुछ ना कुछ फायदा उठाने की कोशिश में मैं होता हूं, तभी रखने की मैं कोशिश कर रहा होता हूं। पहला ऑप्शन था आपका 45, दूसरा था माइनस का 45, तीसरा ऑप्शन था माइनस का 54 और चौथा ऑप्शन था माइनस का 55। अब समझना गुरुदेव, ये सवाल जब मैंने बिचारा और देखा, एक बच्चा सोचेगा सर ये तो बड़ा सिंपल है, क्या करूंगा मैं, इसमें फॉर्मूला लगा दूं किसका, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नंबर। मैंने बोला बेटा नहीं लग पाएगा, क्यों, क्योंकि यहां प्लस है या माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, तो काम खराब हो जाएगा। तो आपने बोला सर इसमें फिर क्या किया जाए, मैंने बोला देखो सर बच्चे, इसमें मेरे दिमाग में क्या क्या बत्ती चल सकती, क्योंकि आपको लर्निंग करानी है तो यहां सिर्फ मैं आंसर मार के जाने की मेरी इच्छा नहीं है, सवाल में सिर्फ आंसर मार के जाने की इच्छा नहीं है। अगर सिर्फ सवाल कर रहा होता तो मैं चुटकी में आंसर मार के निकल जाता, इसके हर उस पहलू की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपके दिमाग का थोड़ा सा कुछ बत्ती जलने की कोशिश हो। मैंने बोला अगर मुझे कुछ नहीं मालूम होता, मुझे फॉर्मूला भी नहीं मालूम होता, कुछ भी समझ नहीं आता, तो मैं ऐसे विचार करता, जानने की कोशिश करना सर कैसे। मैंने ये बोलता देखो सर, अगर मैं शुरू के दो टर्म उठाऊं तो कितने बच्चे ये फॉर्मूला जानते हैं सर कि a माइनस बी और a प्लस बी जो मेरा होता है गुरु क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो हाँ। आपने बोला हाँ सर ये तो हम जानते हैं, ये चीज तो हम अच्छे से जानते हैं। मैंने बोला ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बस अंतर इतना है कि इसमें छोटी संख्या जो है वो प्लस में है और बड़ी संख्या माइनस में है। तो मैं ये कहूं अगर इन सब में से मैं माइनस कॉमन लूं, जैसे इनमें माइनस कॉमन लूंगा तो टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर हो जाए। घबराना मत सर, घबराना मत, मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा, आपको फीलिंग बता रहा हूं। फिर मैंने बोला माइनस का फोर स्क्वायर माइनस कॉमन ले लूंगा तो फोर स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, ऐसे ही करके सब बड़े प्लस के और माइनस के हो जाएंगे, यानी माइनस तो एक तरफ मैंने निकाल के रख दिया और चुपचाप से शांत पड़ गया। मैंने बोला माइनस होगा। अब ये देखो सर,
इन दोनों में डिफरेंस कितने का? आपने बोला सर वन का, इनमें भी तो वन का होगा, यहां पर भी नाइन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर में भी वन का होगा, यानी हर दो दो टर्म में जो मेरा डिफरेंस है वो कितने का? सर वन का। इट मींस अगर ये वन का डिफरेंस मैं हटा दूं, चूंकि वन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बेसिकली यही क्या रिप्रेजेंट कर रहा, ए प्लस बी, यानी माइनस कॉमन मारा, डिफरेंस वन था मैं उसको भूल गया, तो डिफरेंस वन होने की वजह से ए प्लस बी ही क्या है मेरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने बोला ये बात सोची क्यों गई, समझने की कोशिश करना सर, समझने की कोशिश कर, बहुत आराम से चल रहा हूं क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे जो नॉन मैथमेटिक्स के होते हैं, अब जैसे हमारा मैथ्स बैकग्राउंड है, बी एस सी मैथ्स ऑनर्स किया, थ्रू आउट जिंदगी भर मैथ्स पढ़ते रहे, तो हमें ये चीजें डिफिकल्ट नहीं लगती। बाकी जिस बच्चे का मैथ्स बैकग्राउंड नहीं, जैसे ही मैं नंबर्स की तरफ जाता हूं, जैसे ही एडवांस पोर्शन की तरफ जाता हूं, कंपरेटिवली उनका दिमाग स्लो होने लग जाता है। अर्थमेटिक में तब भी वो कंपरेटिवली बेटर फील कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखना सर, देखना, जानने की कोशिश करना। मैंने बोला इसका सम क्या होगा, आप बोलोगे दो और एक तीन। मैंने बोला इनका सम क्या होगा, चार और एक तीन सात। अगर मैं आगे जाऊं, समझना सर, मैं आगे जाऊं तो मैं बोलूं क्या आएगा, पांच और छह, छह और पांच ग्यारह, डॉट 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 डॉट, दस और नौ उन्नीस, यहां तक मैं पहुंच गया। आपने बोला सर बिल्कुल, ये कब है जब आपको फॉर्मूला याद नहीं, इवन दो ये जो बकवास मैं कर रहा हूं तुलनात्मक रूप से अच्छी नहीं है, इसमें वक्त ज्यादा लग जाता है, सोचना ज्यादा पड़ जाता है। आपने बोला अब क्या हुआ, मैंने बोला ये भी डिफरेंस कितने का गुरु, चार का, ये भी डिफरेंस कितने का सर, चार का, समझ रहे मेरे, ऐसे ही आगे भी जाओगे वो भी डिफरेंस कितने का आएगा, चार का, आगे जाओगे वो भी डिफरेंस कितने का आएगा, चार का। इट मींस ये गुरु क्या बन गए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम बन गया। मैंने बोला यहाँ पे टोटल दस नंबर्स थे, अब एक नंबर, दो नंबर को मिला के एक नंबर मिला, तो ये टोटल पांच नंबर हो जाएंगे। अब या तो इनको ऐसे जोड़ दो, नहीं तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, 19 प्लस 3 बटे में 2, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर का फर्स्ट और लास्ट, इंटू सम करना हो फिर मैंने बोला नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने, पांच। आपने बोला पांच नहीं सर दस है, मैंने बोला दस यहाँ थे, यहाँ पे तो पांच बनेंगे, और हम सम इसको पकड़ के निकाल रहे हैं, तो मैंने बोला पांच। हाँ अगर मुझे एवरेज निकालना होता गुरु, एवरेज निकालना होता तो मैं भाग कितने से देता, दस से देता, कितने से देता, दस से। ये बात तो मेरी बनी हुई दिख गई, मैंने चुपचाप से सॉल्व किया, 19, 20, 21, 22, 22 का मैं से दो से भाग गया 11, तो गिरी 11 पन्ना 55 आ गया। आपने बोला बहुत खुशी की बात है, कितना आ गया 11 पन्ना 55 आ गया। मैंने बोला एक माइनस मैंने छोड़ रखा था, तो चुपचाप से माइनस लगा दिए, ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। एक तो ये सोचती जो कि मेरी नजर में मुझे तुलनात्मक रूप से घटिया सोच लगी, पर आपने बोला फिर आपने ये बात क्यों रखी, हमें क्यों दिमाग का दही बनाया हमारा। मैंने बोला इसलिए कि कई बार अगर पेपर में फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो ऐसी थिंकिंग भी डेवलप हो जाती है, तो कई बार अचानक से कोई नई चीज आई है तो हम कॉमन सेंस से चीजों को करने की कोशिश कर देते हैं कि भाई पता लगा कोई क्वेश्चन ऐसा आया जो पहले से आपने पढ़ नहीं रखा, जिसका हमें आइडेंटिटी मालूम नहीं है, और एक सवाल है हमारे पास समय भी बचा हुआ है, वही हमें सॉल्व करना, तो कम से कम हम सॉल्व कर सकें। इवन तो मैं यहाँ ये भी देख सकता था सर, मैं सिर्फ सॉल्व करने गया था, यहाँ तो छोटे नंबर से तो दिक्कत नहीं है, आगे चल के एक दो सवाल में ऐसा रखूंगा जिसमें बड़ी कैलकुलेशन, तो हम ऐसे भी सोच लेते हैं, हम पूरी कैलकुलेशन नहीं करते। जैसे मैंने यहाँ पर रखा था 19 प्लस 3 बटे में कितना रखा था गुरु, 2 और गुणा का 5, फिर मैं सीधा ये समझ गया था 19, 20, 21, 22 बटे 11 का मल्टीपल, मैंने बोला कि 11 का मल्टीपल सिर्फ एक ही आ रहा है, 5 का गुणा हो रहा था, 5 का मल्टीपल तो ये भी था, ये भी था, ये भी था, माइनस की बात करता चूंकि माइनस का आंसर है तो ये भी था और ये भी था, पर मैंने बोला 11 का मल्टीपल यही है, मैं इतना ही मान से मार के निकल जाता। कई बार ऐसे हथियार हम किस में यूज कर लेते हैं जब कैलकुलेशन बड़ी बड़ी जा रही हो। आपने बोला अच्छा, मैंने बोला हाँ, ऐसे सवाल में टीयर टू का मैंने 2017 के सोल्यूशन किए थे, उसमें बहुत सारे खतरनाक सवालों पर मैंने हथियार मारे थे, चुटकियों में आंसर मारे थे, सोल्यूशन पड़े, मानते हैं वो पुराने हैं लेकिन वो अभी भी आपके काम के हैं, ठीक है, चूंकि उसका पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आया था। यहां भी मैं कुछ एक दो क्वेश्चन रखने की कोशिश करूंगा। दूसरा मैं क्या सोच सकता था, दूसरा मैं ये कहता कि अगर 1, 3 इसके बाद 5 आएगा, फिर 9, 5, 7, 9 इनको मैं अलग कर लूं तो ये क्या आ जाएगा, ऑड नंबर्स का सर स्क्वायर्स का सम आ जाएगा, और हम ये जानते हैं क्या होता है, बस ये जानते हैं कि बड़े वाले माइनस में तो आंसर तो माइनस में आएगा, तो मैंने बोला उसमें तो बड़ा सिंपल था, क्या था, लास्ट टर्म उठाना था, मैंने बोला इसमें लास्ट टर्म क्या आएगा, 9, तो आपने बोला 9 पकड़ लो, और फिर 10, 9, 10, 11 क्या किया, मैंने बोला बस एक एक जोड़ते जाओ, और मैंने बोला भाग कितने से होता है गुरु, 6 से होता है,
ये तो आ गया इनका। मैंने बोला दूसरे में क्या करते, इसमें भी तो यही करते हैं, लास्ट टर्म पकड़ लेते हैं, कितना 10, 11 और 12 और बटे में 6। देखो मैंने ये देखा कि 6 तो 6 की कहानी बोलो, मैंने बोला देखो 11 यहां भी आ रहा है, 11 यहां भी आ रहा है, कॉमन लेके 11 का मल्टीपल तो बना ही रहेगा। मैंने बोला 11 का मल्टीपल तो एक ही है, यहीं पे मैं आंसर मार के निकल सकता था, यहीं पे मैं आंसर मार के निकल सकता था 11 का। मैंने बोला 11 यहां भी है, 11 यहां भी है, कॉमन आएगा, इसका मतलब 11 का मल्टीपल बना ही रहेगा। समझ लेना सर, कोई डाउट हो, किसी भी तरह की अंदर से कोई इच्छा जागरी हो, कमेंट मार देना, ऑप्शन मुझे पूछ लेना कि सर अगर ऐसा हो जाए तो, वैसा हो जाए तो। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया उतनी ही बात रख के बैठ जाओ, अपना भी दिमाग लगाओ कि सर ऐसी कहानी बन जाए तो क्या होगा, वैसी कहानी बन जाए तो क्या होगा, उसके मैं आंसर दूंगा। मैंने बोला बस आप सॉल्व मार लो, आप चाहो तो 10 काट लो, नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो, देखो 10 × 11/6 अगर कॉमन मारोगे, कॉमन मार लो, मैंने बोला रह क्या जाएगा 9 और -12, 9 में से -12 करूंगा तो -3, तो बेसिकली क्या रह गया, -3 × 10 × 11/6 और 10 × 30 56 30 11 11 × 55, ये आपका आंसर आ गया। तो आपने ये देखा कि यहां पे अगर कैलकुलेशन बड़ी होगी तो मैं ऑप्शन का सहारे से भी निकल सकता हूं, कई बार मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं एक तरह के, मान लो हो सकता है 11 के 2 मल्टीपल होते हैं, तो उसमें भी टेंशन नहीं, कुछ कुछ ना कुछ और हथियार लग रहा होता, नहीं तो हम सॉल्व तो कर ही लेते हैं। कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी नहीं थी तो मैं सॉल्व करके भी भाग सकता था। दूसरा मैंने ये बताया कि अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद होते तो हम ऐसे कर लेते, याद है तो हमने जल्दी मार के चले गए और हमारा समय बच गया। समझे गुरु मेरी बात, कुछ फील आया सर आपको? इनकी एक मैंने बोला है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बात, इन पर मैं स्पेशली 1 या 2 वीडियो बनाऊंगा अलग से, ठीक है, क्योंकि ये एडवांस का पोर्शन है, तो ये तो रास्ते से हम गुजर रहे थे, फिर से इस रास्ते पे आएंगे। और सबसे खुशी की बात आपके लिए ये होगी कि थोड़ी सी चर्चा हो गई है ना, तो फिर दोबारा जब हम कर रहे होंगे तो तुलनात्मक रूप से आपका दिमाग लग रहा होगा, तो कुछ और एक्स्ट्रा बातें मैं करने की कोशिश करूंगा, तो आप घबराएंगे नहीं। समझे सर मेरी बात, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपने बोला हाँ बात तो सही कही, इतनी सी मैंने बात करी, बस थोड़ा सा एक ही सवाल रख के फिर मैं थोड़ी सी चर्चा में आगे बढ़ गया। आपने बोला सर बढ़ जाओ, मैं चर्चा में क्या आगे बढ़ा, कल चलते चलते मैंने ये बोला था कि जैसे हमारे स्क्वायर्स होते हैं ऑल्टरनेट, तुम्हारे कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर के, हो सकता है क्यूब हो जाए, और पेपर में सवाल आया सर TA2 में 2018 में इसमें सवाल आया था, ठीक है, हो सकता है क्यू की बात हो जाए, इवन दो क्यू की कॉन्जिक्यूटिव फर्स्ट एंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर की मैं बात कर चुका हूं, पर उसी बात को मैंने थोड़ा इसलिए आगे बढ़ा दिया, इवन दो आज से 2-3 साल पहले ये चर्चाएं हम लोग नहीं किया करते थे, अब चर्चा इसलिए करने लग गए क्योंकि ये एडवांस के पोर्शन से मिलता जुलता, और एडवांस में हमें कितना भी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ जाए हमें बुराई नहीं, बिल्कुल भी बुराई नहीं है। हम देखो जब ज्योमेट्री करने जाएंगे मैं बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे हम लोग, और उसमें कोई बुराई नहीं, ऐसा नहीं सोचना कि पेपर में ऐसा नहीं आता, हाँ एक रहेंगे लिमिट में, रहेंगे अपनी औकात में, हम पेपर की औकात से ज्यादा जाएंगे लेकिन मैथ की औकात से नीचे रहेंगे, क्योंकि मैथ की तो बहुत औकात है, इतना हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि हमें PhD नहीं करनी, हमें SSC इन मैथमेटिक PhD की टेम्पलेट नहीं लगवानी है घर के सामने, ठीक है सर। तो मैं आगे बढ़ा, मैंने बात करी सर, अब थोड़ा देखना सर यहां पे मैं आज थोड़ी गंदगी फैलाने के मूड में हूं। आपने बोला क्यों? उस गंदगी को फैलाने का उद्देश्य यह है जिससे कि स्वच्छता की आप वैल्यू समझ सको। उस गंदगी को मैं क्यों फैलाने जा रहा हूं आप खुद फील कर लोगे। आपने बोला अच्छा ऐसा है तो फैला दो गंदगी सर, हम तो पैसे ही गंदे, बहुत शुरू से ही हमारी गंदगी रही है हमारे दिमाग में। तो मैंने बोला देखना सर, अब मैं बात आपसे जो करने जा रहा हूं, मैं ये करने जा रहा हूं कि मान लो समस्या ऐसी आ जाए, मान लो 2 की पावर 3 आ जाए, जो कि आने की संभावना बनी रहेगी, जिससे पेपर में सवाल आते हैं, जहां तक आने की संभावना होती है हम करते हैं। मान लो 4 की पावर क्यू हो जाए, मान लो 6 की पावर क्यू हो जाए, और हमने बोला कहां तक जाते हैं, हम एन टर्म्स तक जाते हैं। मैंने बोला एन टाइम्स, एन टाइम्स का बच्चे मतलब क्या होता है कि टोटल मैंने एन टर्म लिए हैं। आपने बोला ओके। मैंने बोला अगर मैं यहीं पर थोड़ा सा ऐसे लगा के मैं ये रख दूं, 1 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब और प्लस डॉट 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 डॉट, थोड़ी सी जगह कम है तो मैंने एन टाइम्स यहां भी बोल दिया।
आपने बोला बहुत खुशी की बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मैंने जब एंड टाइम्स बोल दिया तो मेरा एक थोड़ा सा मन कर गया आपको सवाल करने का, हल्का सा इसमें बच्चे सुलो चल रहा हूं मैं, क्योंकि आपकी दिमाग में मुझे बिठानी है बातें। मैंने बोला सर मैंने एंड टाइम्स बोल दिया, अब मैं बोल तो ये बताओ ये एंड टाइम्स, ये जो एनवा नंबर है इसको हम लास्ट टर्म बोलते, अगर मैं थोड़ा सा शर्माते हुए आपसे पूछूं कि गुरु जी ये बता दो कि यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, आपने बोला मतलब, मैंने बोला यहाँ वैल्यू क्या होगी, आप फिर बोलोगे मतलब, मैंने बोला वो लास्ट टर्म क्या होगा, आपने बोला एन ही, तो मैंने बोला एन नहीं है सर, एन टाइम्स है ये, जैसे मैं बोलूं इसमें पहला टर्म फर्स्ट टर्म वन नहीं है सर, टू है, सेकंड टर्म इसमें क्या है सर, टू नहीं है फोर है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, आपने बोला सर समझ नहीं आ रहा, मैंने बोला ये बात आपने कर चुकी है, मुझे बताओ मैंने आपको बोला ना जैसे ऐसे लिखा हो दो का स्क्वायर में बात बोली, दो का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, छह का स्क्वायर, और मैं ये बोलता था मान लो यहाँ पे लिखा हो चालीस का स्क्वायर, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने, तो आपने बोला दो का भाग मार दो तो बीस टर्म है, मैंने बोला अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर दे रखे निकालने हैं आपको, लास्ट टर्म दे रखा है दो का भाग, लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे और लास्ट टर्म निकालना है तो दो का गुणा, तो बस शर्माते आपने बोला इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सर 2n, इसको मैं क्या बोलता हूँ लास्ट टर्म। कल मैंने चलते चलते एक बात बोली थी, इवन इन बातों को याद रखने का कोई मतलब नहीं है, ये डिटेल में जाने का मतलब नहीं है, आपके लिए तो रिजल्ट ही काफी रहते हैं, लेकिन फिर भी इस गंदगी में घुसने से कुछ ना कुछ फायदा होता है, मैंने फिर भी बोला था कि एक लिमिट से ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, बाकी अगर देखा जाए तो ज्यादा पढ़ने से कभी नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता, बाकी ये छोटी बात है, जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के उनको ये चीजें दिक्कत नहीं करती, जो नहीं है उनको ये बत्ती सी जला देती है, ये छोटी छोटी सोचनी है बात है, समझे सर मेरी बात। मैंने कल ये बोला था कि लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स में रिश्ता होता है, इसलिए कल वाला जो फॉर्मूला था याद करो मैंने लास्ट टर्म में निकाल लिया था, मैंने बोला था क्योंकि उससे फायदा हो रहा है सर, क्या फायदा हो रहा है, उसमें दो फायदे हो रहे थे सर, एक फायदा तो ये हो रहा था लास्ट टर्म निकालने की इसके लिए और इसके लिए सेम फॉर्मूला बन जा रहा था और फॉर्मूला थोड़ा सिंप्लीफाई हो जा रहा था, तो मैंने बोला इसका और इसका रिश्ता, मैंने बोला एल बराबर टू एन है, यानी एन की जगह एल बाई टू रख सकता हूँ, एल बाई टू की जगह एन रख सकता हूं, ये कहीं भी मैं गेम खेल सकता हूं, जहां मुझे जिससे फायदा हो रहा होता है मैं आंसर या फॉर्मूला उसी से निकालना होता, समझे गुरु मेरी बात। ऐसे में पूछे इसमें क्या होता है, तो याद करो मैंने बोला लास्ट में और होता था, तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालने होते थे तो एक जोड़ के दो से भाग देता था, आपने बोला हाँ सर याद आ गया, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स से लास्ट टर्म निकालना होता था तो दो का गुणा कर देता था 2n और माइनस 1, ये मेरा लास्ट टर्म आ गया। आपने बोला ये तो बड़ी गंदगी सी फील हो रही है, मैंने बोला हाँ वो तो मैं बता ही रहा हूं कि मैं गंदगी फैलाने जा रहा हूं, इसका कुछ मतलब नहीं था, मैंने बस पूछ लिया कि भाई बता दो लास्ट टर्म क्या होगा, वैसे हमें मान लो मैं यहाँ पे 20 लिख देता तो बोलता नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो, 1 3 5 है, तो यहाँ क्या होगा 20 2 40 में से गया 39, 20 2 40 में से गया तो 39 होगा सर, आपने बोला हाँ ठीक है सर, मान लिया मेरा मन था, मैंने पूछा आपने कुछ लोगों ने हो सकता है ये पहले से निकाल लिया हो सकता है कुछ लोगों की दिमागी दही हो रही हो, ये क्या है सर लास्ट टर्म, बस मैं बोलने के लिए मेरी नॉलेज के लिए मैंने रखा ये बात, मैंने सर प्रस्तुत कर दी। अब मैंने बोला सर इनके लिए इनका सम निकालने के लिए, सम निकल गया तो एवरेज भी निकल जाएगा, क्योंकि सम के निकलने के बाद एवरेज में तो नंबर ऑफ टर्म से भाग ही तो देना पड़ता है सर, आपने बोला हाँ सर ये तो है, तो मैंने बोला इनके सम में निकालने में देखो अब समस्या क्या झेलनी पड़ती, एक तो इनमें इतनी ज्यादा गंदगी फैली है, जब हम प्रूव करते कि इसका अलग आता है इसका अलग आता है, आपने बोला ओ हो इसका मतलब टेंशन तो बढ़ गई, बात एक नंबर, दो नंबर इसमें एल में जाने में फायदा नहीं होता, एल मतलब लास्ट टर्म में जाने, लास्ट टर्म में अगर मैं जाता हूं तो और गंदगी फैल जाती है, तो आपने बोला कोई दिक्कत नहीं सर, जमाने से तो हम नंबर ऑफ टर्म्स पे ही चले आ रहे थे, नंबर ऑफ टर्म्स पे ही चले जा रहे थे, बस स्क्वायर वाले केस में हम लास्ट टर्म पे आए थे, तो कोई दिक्कत नहीं हमें तो आदत है, मैंने बोला आदत है, आपने बोला हाँ, तो मैंने बोला देखो अगर सिर्फ आपको याद रखना हो, अगर सिर्फ आपको याद रखना हो तो जानने की कोशिश करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ये बातें याद नहीं रहती, खासकर उन बच्चों को जिनको रटने की आदत नहीं है, वैसे रटने की आदत होनी चाहिए, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कोई ऐसा कुछ लॉजिकल बात नहीं रख रहा, मैं सिंपली याद कराने की कोशिश कर रहा हूं और एकदम इलॉजिकल तरीके से, आपने बोला ओके
फिर मैं आपको उसको थोड़ा अपनी तरफ से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा जिससे आपको लगो मजा आ गया। मैं चाहता तो सिर्फ फॉर्मूला लिख के भाग जाता, होता कुछ नहीं, आप रटते रहते हो, मुझे ऐसा लगता है शायद आपको याद नहीं होता। हो सकता है मैं आपके 5 या 10 मिनट फालतू के ले रहा हूं, पर ये हो सकता है आपको चीजें थोड़ी सिंप्लीफाई कर दे, ऐसा मेरा 90% मुझे विश्वास है। 10% तो अपनी अपनी सोच है, कोई कभी किसी को खुश नहीं कर पाया पूरी तरह से, हर समय हर हालात। ठीक है, मैंने बोला सर ये मुझे फॉर्मूला निकालना, किसका? कि जब मेरे इवन टर्म्स के क्यूब दे रखे और कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, उसका फॉर्मूला कैसे समझना सर? मुझे एक बात बताओ सर, जब हमारे कॉन्जेक्यूटिव फर्स्ट एन कॉन्जेक्यूटिव नंबर होते हैं, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होते हैं, उनके क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? आपने बोला लो सर लिख दिया एन एन प्लस वन और बटे में दो का स्क्वायर। क्यू मत कर देना कि आपको लगता है क्यू है तो क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर होगा सर, क्यू है तो क्यू नहीं स्क्वायर। आपने बोला सर कर दिया, मैंने बोला ये याद है, आपने बोला हाँ, मैंने बोला याद है, आपने बोला हाँ, मैंने बोला पूरी तरह से याद है, आपने बोला हाँ सर पूरी तरह से याद है, तो मैंने बोला बस काम खत्म हो गया, यहाँ पे 2 की पावर क्यू लगा दो, यही आपका फॉर्मूला आ गया। आपने बोला ये क्या बकवास है, इसका क्या मतलब है सर? मैंने बोला आ गया। आपने बोला है, मैंने बोला हाँ। आपने बोला है, मैंने बोला हाँ। आपने बोला ठीक है सर आ गया, तो अब ये क्यों आ गया, मैं इसकी भी चर्चा करने की इच्छा रखता हूं। अब देखो आप कमेंट में तो मुझे बता नहीं पाएंगे, तब तक तो ये क्लास निकल चुकी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है आपकी इच्छा करे, या फिर देखते हैं अभी मैं सोचता हूं, मैं प्रूफ भी बता सकता हूं। ठीक है, देखो हम जब एडवांस हो जाएंगे खासकर ज्योमेट्री में तो मैं बहुत सारे प्रूफ किया करूंगा, क्योंकि वहां हमारी इच्छा होती है। उससे दो फायदे होते, एक तो हमें वो थ्योरम या वो रिजल्ट आसानी से याद हो जाता है, दूसरा क्योंकि वो चैप्टर कंपेरेटिवली मैक्सिमम बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होता है, तो जब हम कुछ भी प्रूफ कर रहे होते हैं तो उसकी मैकेनिज्म से हमारे क्वेश्चन की मैकेनिज्म काफी मैच कर जाती है। तो एक हमें किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है वो थ्योरम या रिजल्ट के थ्रू मालूम पड़ जाता है मैक्सिमम केसेस में, तो चीजें कंपेरेटिवली आसान हो जाते हैं, इवन दो वो टाइम टेकिंग जरूर होती है इनिशियल लेवल पे। समझे गुरु मेरी बात? आपने बोला हाँ सर समझ गए। मैंने बोला मैं आगे बढ़ गया, थोड़ी सी मोहब्बत की बात करी और मैं आगे बढ़ गया। मैंने बोला अगर मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई करूं, आपने बोला कैसे? मैंने बोला बस मेरी करने की इच्छा है। कैसे? मैंने बोला अगर मैं 2 को बाहर लाऊंगा तो ये ऊपर एक इसका स्क्वायर बैठा हुआ है वो 7 में आएगा। आपने बोला ये तो है, तो मैंने बोला जब यहाँ 2 का स्क्वायर 7 में जाएगा तो ये इसको खा लेगा तो कितना रह जाएगा? 2, क्योंकि हमेशा जब बटे में सेम बेस पर संख्या होती है तो पावर्स घट जाती है। आपने बोला ये तो भाई हमें मालूम है, तो मैंने बोला 2। अब मुझे बता इसको थोड़ा और कर दूं, तो मैंने बोला ये क्या हो जाएगा, ये एन स्क्वायर और ये एन प्लस वन का होल स्क्वायर, कोई नाराजगी, यही आपका फॉर्मूला आ जाए। अगर एवरेज निकालना होगा नंबर ऑफ टर्म से भाग दे तो वो बात की बात है, सम का फॉर्मूला आ गया। डरावना लग रहा, लेकिन टेंशन मत लेना, मुझे पूरा विश्वास है मैं इतनी बकवास आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा ये आपको याद से हो जाए। मैंने बोला आपको याद से हो जाएंगे। मैंने बोला 2n² ब्रैकेट में एन प्लस वन का स्क्वायर, बाकी इसको याद नहीं रख पाओ तो यहां से याद रखना। हम कुछ नहीं करते, क्या करते हैं, जो हमारे कॉन्जेक्यूटिव फर्स्ट एन कॉन्जेक्यूटिव नंबर या फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के क्यू का जो फॉर्मूला होता है उसी में 2q जोड़ देते, 2q जोड़ देते। आपने बोला ओके सर। अब मैंने बोला आप देखो थोड़ा सा मैं इलॉजिकल बात करने जा रहा हूं, एकदम गंदगी फैलाने वाला हूं, पर मुझसे उससे बात याद बनी रहती इसीलिए ये गंदगी फैला रहा हूं। मैंने बोला अब मुझे ये फॉर्मूला निकालना, कौन सा वाला, इसके लिए निकालना, तो मैं क्या करूंगा, मैं बहुत ही इलॉजिकल बात करने जा रहा हूं। कई बार हम इलॉजिकल बातों से भी बहुत कुछ कर देते हैं। हमें एक कहानी सुनाई जाती थी कि जब स्याही का आविष्कार हुआ था इंक का, तो बहुत सारे प्रैक्टिकल कर लिए, कुछ समझ नहीं आया, उसने टेंशन में आके सारे केमिकल फूट दिए और अचानक से स्याही निकल आई। तो कभी कभी इलॉजिकली भी बहुत ही प्रोडक्टिव चीज निकल आती है। कभी कभी हम झगड़े से हमें मोहब्बत हो जाती है, किसी से झगड़ा हुआ उसी से प्यार हो गया, जबकि झगड़ा और प्यार का आपस में कोई लेना देना नहीं है, होगा वैसे इनडायरेक्टली लेना देना होगा। तो कई बार हमारे इलॉजिकल तरीकों से बहुत ही लॉजिकल बातें निकल के आ जाती है। यहां ऐसी कोई बकवास नहीं है, मैं फालतू की बोला था, यहां मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं इलॉजिकल बात से मैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, मैं ये फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूं, तो मैंने 2n² लिख लिया, जैसे यहां था यहां था। अब मुझे ये बताओ, जब कोई नंबर बराबर से एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है तो वो प्लस की क्या बन जाती है, माइनस। तो मैंने बोला भैया जी बता इसको यहां ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस। आपने बोला इसमें क्या लॉजिक है, यहां तो बराबर है ही नहीं। मैंने बोला उस चीज से ध्यान रखते हुए देखो कि इसको मैं अगर बाहर निकालूंगा तो साइन बदल जाए,
वहां से फील करो, फील वहां से करो, लॉजिक यहां कुछ नहीं। आपने बोला ठीक है सर, मान लिया आप इतनी बकवास करवाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने बोला बस अब ये बताओ यहां से बन भाग जाएगा तो रह कौन जाएगा, एन स्क्वायर, तो चाहे इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, ये क्या बन गया सर एन स्क्वायर। यही मेरा किसका फॉर्मूला होता है, इसका होता है। इवन दो ऐसा मत समझना मैंने कुछ चमत्कार कर दिया, ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से ये फॉर्मूला बना है। हाँ ऐसा ही होता है, हमें चीजें आसान लग जाती हैं, हमने इस तरह से याद कर ले, ये इसका फॉर्मूला बन गया, ये इसका। कोई नाराजगी सर, आपको थोड़ा अजीब अजीब सा फील हो रहा होगा, ये क्या फालतू की बकवास सी हुई है, टेंशन मत लेना सर। मैंने बोला आपको जो याद रखना ये याद रखना, इससे जब थोड़ा सा याद हो जाए फिर यहाँ आना, फिर इससे इलॉजिकली सोचना कि इसको बाहर ला के माइनस इसके साथ लगा दो, जो रह गया उधर छोड़ दो, इसका फॉर्मूला बन जाता है। पेपर में हो सकता है ये चीज हेल्प कर जाए आपको, बाकी तो सबका अपना अपना मन है, हर आदमी को अलग अलग चीजें अच्छी लगती है। किसी को काली दाल ज्यादा पसंद है तो किसी को पीली दाल ज्यादा पसंद है, किसी को छोटे अच्छे लगते हैं तो किसी को बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है सर, समझ रहे हो। अब मैंने बोला बेसिकली ये जो ड्रामा किया था, क्या मैं इसकी थोड़ी सी बकवास कर दूं कि काम चल गया सर। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि हो सकता है कि आप ये इच्छा रख रहे हो कि थोड़ी सी बकवास करी दो, या मैंने बोला गंदगी फैलाऊंगा मैं, सिर्फ इन दो चीजों को याद कराने के चक्कर में मैं गंदगी फैला रहा हूं। मैंने बोला क्योंकि ये चीजें जनरली याद नहीं रहती, बच्चा रटने वाला होता है, तो हो सकता है मैं आपको याद कराने में हेल्प कर दूं, तो जो टाइम आप इनको याद करने में लगाएंगे वो टाइम कहीं और लग जाएगा। अब देखना करो, देखना ये बात तो आपकी पता लग गई, ये चुपचाप से उतार लेना, मैंने भी यहां रख दी कि 2n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, अब देखना सर मैं इस फॉर्मूले की तरफ जाने की इच्छा रखता हूं। मैंने बोला ये मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। आपने बोला कैसे, समझना करो, समझना, मुझे एक बात बता दीजिए, मुझे मालूम है ये n टर्म्स है लेकिन आखिरी में इसमें था क्या 2n स्क्वायर। देखना मैं हल्का सा ये टाइम वेस्ट कर रहा हूं, पर मेरी बेस करने की इच्छा हुई, जिससे मुझे ऐसा लगता है आपको निश्चित रूप से कुछ फायदा होगा, बाकी टेंशन मत लेना। देखना मैंने ये बोला सर मुझे एक बात बताओ, यहां से अगर मैं 2 क्यू कॉमन लूंगा तो क्या रह जाएगा 1 का क्यू, यहां से मैंने बोला इसको क्या लिख सकता हूं 2 क्यू और 2 क्यू, इसको क्या लिख सकता हूं 2 क्यू एंड, क्योंकि ये इवन नंबर है तो हर एक में से 2 कॉमन आएगा, पावर 3 है या पावर 3। देखो यार एक आध गलती ना मैं जोर जोर से मार देता हूं, क्योंकि मैं इतना खो जाता हूं, जैसे कल भी मैंने 9 की 3 की जगह 9 लिख दिया था, ऐसी गलतियां जनरली मेरे से हो जाती है, क्योंकि वो दिमाग एकदम घुस जाता है, दिमाग घुस जाते हैं, लिख कुछ और रहे होता है लिख घुस जाता है। ठीक है, ये जनरली मेरे साथ ये प्रॉब्लम रही है, इतना ज्यादा खो जाता हूं मैं, ये खोने से होता है, मतलब मैं ऐसा नहीं कि रट के रखता हूं तो हाथ सही चलेगा। ठीक है, इन सारी चीजों को माफ करते रहना, वैसे मैं अवॉइड करता हूँ ये कि ऐसी गलती ना हो। ठीक है, पर फिर भी कई बार जोश में होश खो जाते हैं हम लोग, तो जोश में ज्यादा आ जाते हैं इसलिए होश खो जाता है। अब देखना सर, मैंने ये बोला कि हर एक में से 2 कॉमन आ जाएगा, आपने बोला हाँ पावर क्यू है तो उसकी भी तो पावर क्यू होगी, आप बोलोगे हाँ हाँ। अगर किसी को ऐसा लग रहा है सर ये बात समझ नहीं तो बता देना, आगे चल के जब एडवांस की चर्चा हुआ करेंगे तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि मेरे बच्चों का लेवल क्या है। मैंने बोला अगर मैं इसमें से 2 क्यू कॉमन मार दूं, गुरु समझना, ये क्या हो जाएगा 1 का क्यू, ये क्या हो जाएगा सर 2 का क्यू, ये क्या हो जाएगा सर 3 का क्यू, बोलो हाँ हाँ हाँ। मैंने बोला ये क्या हो गया एन का क्यू। तो देखा जाए दूसरे शब्दों में ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा एन कॉन्जेक्यूटिव नंबर्स, एन कॉन्जेक्यूटिव नंबर्स, बस ये 2 का क्यू हो गया और यहाँ क्या हो गया भाई एन, एन प्लस 1 का 1/2 का होल स्क्वायर। कोई नाराजगी, कोई नाराजगी सर, आपने बोला सर हमें हल्की हल्की सी नाराजगी लग रही है, हल्का हल्का सा अच्छा लग रहा है, यानी कभी खुशी कभी खुशी कभी गम जैसी फीलिंग आ रही है। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, बना तो यहीं से है, अब जो है वो है, जो है वो है। कई बार बच्चा सोचता है सर एक चीज समझ नहीं आई, ये दोनों चीजें तो इसी से निकले तो ये इससे बड़ा कैसे हो गया। अब भाई सुनो मेरी बात, मैंने बोला ये भी एन टर्म्स, ये भी एन टर्म्स और ये भी एन टर्म्स, निश्चित रूप से इससे ये छोटा होगा। आपने बोला है क्या बकवास है, किसी बच्चे के दिमाग में तो बहुत सारे बच्चों को तो समझ नहीं आ रहा होगा कि ये मैंने क्या बकवास कर। बहुत सारे बच्चे ये सोचते कि एक्चुअल में इसी में तो ये दोनों समाये हुए होते। मैंने बोला बिल्कुल, पर फिर ये बड़ा कैसे हो गया इससे। मैंने बोला यह नंबर ऑफ टर्म्स एन है, यहाँ भी एन है, तो जब नंबर ऑफ टर्म्स बराबर है तो ये बड़ा हो जाएगा। आपने बोला कैसे, मैंने बोला देखो मैं एक लिख दू 1 का स्क्वायर, एक 2 का स्क्वायर, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने 2, एक लिख दू 2 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने 2, तो भैया ये क्या हुआ कौन बड़ा, ये बड़ा है। आपने बोला हाँ ये तो है।
ऐसा मत समझो कि इससे ये निकले, निकले तो है पर वो डिपेंड भी तो करता है नंबर ऑफ टर्म कितने। मैंने बोला देखो अगर मान लो इन दोनों को मैं पकड़ लूं तो ये एन टर्म्स नहीं बनेंगे, ये दोनों मिलके टू एन टर्म्स बना देंगे। आपने बोला सर कुछ पल्ला नहीं पड़ना, मैंने बोला यही के यही छोड़ दो। समझ रहे मेरी बात? आप ये समझ लो कि यहां से रिजल्ट आ गया। अब आपने बोला सर इसका रिजल्ट निकालना हो तो क्या करना पड़ता? मैंने बोला वही वाली, देखा जाए तो वही वाली बात, यहां से माइनस करना पड़ता। मैंने बोला क्या आ गया सर, समझने की कोशिश करना, एक्चुअल में मेरा ये आ गया। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं अगर ये निकालना होगा, मेरा मन कर रहा है थोड़ा बता ही दो क्या, जब इतनी बकवास मैंने कर दिया है इतना आगे मैं बढ़े गया, ये प्रूफ हो गया। अब देखना सर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरा मन नहीं था पर फिर पता नहीं यार रुका नहीं जाता। और ये मैं वैसे प्रूव करता नहीं हूं क्योंकि ये रिजल्ट जनरली बच्चों को परेशान कर रहे होते, बच्चा ने कभी याद नहीं किए होते, इसलिए मेरा मन कर गया था कि थोड़ा सा छेड़खानी कर दूं, हल्की सी गंदगी फैला दूं। मानता हूं आपका 15-20 मिनट बर्बाद होगा लेकिन ये फिर परमानेंट हो जाएगा आपके दिमाग। आपने बोला ठीक है सर, ठीक है हल्का सा मैं फेंक दे रहा हूं, मेरा मन कर गया, मान लेना कि ये थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया था, ठीक कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला सब इस प्रूफ की तरफ जा रहा हो तो मुझे याद करो। मैंने बोला देखो एक्चुअल में ये और ये है, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया हो, अब देखना समझना मैं क्या बोलना जा रहा हूं। जो मैथ के बच्चे वो तो समझ जाएंगे, जो कमजोर दिल के बच्चे हैं उनको थोड़ा दिक्कत आएगी। मैंने बोला मुझे इनका भी एन टर्म का फॉर्मूला निकालना, इनका भी एन टर्म का। अब इन दोनों को मिला के मेरा पहले जो फॉर्मूला रहा होगा वो ऐसे रहा होगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। समझना, घबराना मत। मैंने बोला समझना 2n का क्यूब, इससे पहले क्या रहा होगा 2n-1 का क्यूब। आपने बोला ये क्या है? मैंने बोला देखो इसके भी n टर्म निकाल लें, इसके भी n टर्म निकाल लें, इट मींस जब ये मिले रहे होंगे ये n टर्म तो ये 2n टर्म रहा होगा। यानी जब हम फर्स्ट एन कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात करेंगे तो फर्स्ट एन की नहीं, हम 2n की बात करेंगे। आपने बोला क्यों, हम तो फर्स्ट एन की करेंगे। मैंने बोला फर्स्ट एन की बात करोगे तो जब अलग अलग निकालोगे तो ये n बाई 2 रह जाएंगे, ये n बाई 2। आपने बोला अच्छा। मैंने बोला ऐसे समझो सर, मान लो मुझे लाना है 2 की पावर 4, वो 2 की पावर, समझना 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, वो क्यूब, माफ करना 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब, और मुझे लाना है 1 का क्यूब 3 का क्यूब और 5 का क्यूब, ये भी 3 टर्म ये भी 3 टर्म। तो मुझे बताना ये कब आएगा, ये ऐसे आएगा 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब और 6 का क्यूब। मुझे बोले कितने टर्म हो गए, 6। इनको जब इवन वाले अलग निकाले ऑड वाले अलग निकाले तो ये कितने आएंगे, 3 3। इसका मतलब जब इसमें से इनको अलग अलग निकालना होता तो जितने टर्म ये होते आधे ये ले जाते आधे ये ले जाते। अब समझना, मुझे अगर n टर्म इसके लेता तो अलग अलग करता तो n बाई 2 इधर रह जाता, n बाई 2 उधर रह जाता। मैंने बोला मुझे उसमें भी टेंशन नहीं थी, मैं उससे ही फॉर्मूला निकाल देता। लेकिन आपका वो जो फॉर्मूला बन जाता वो किसका बन जाता, n बाई 2 टर्म्स का, जबकि मुझे चाहिए किसका, n टर्म्स का और n टर्म्स का। इसका मतलब इनको मुझे कितना लेना पड़ेगा गुरु जी, 2n लेना पड़ेगा। आपने बोला ओके, चूंकि हमें ये n टर्म चाहिए, हमें ये एन टर्म नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए होता है उसके हिसाब से हमें जरूरतों को पूरा करते हैं ना। हमें घर 3 मंजिल बनाना तभी तो हम सोचेंगे अच्छा हमें इतनी ईट इतनी सीमेंट चाहिए, ऐसा थोड़ी कि इतनी ईट सीमेंट ले आओ और जितना बन जाए उतना बन जाए, पता लगा 1.5 मंजिल बना, आधा मंजिल अधूरा रह गया। तो आपको क्या चाहिए उसको ध्यान में रखते ही आप अपने रिसोर्सेज को, या फिर बोलो कि जो चीजें आवश्यक होती है उनको खरीदते हो। मानते हो मेरी बात? ठीक है, तो मैंने ऐसे रख लिया। ये क्या लिया, ये तो वही लिया जो मैंने अभी निकलवाया था 2n-1 और 2n। ठीक, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है पर टेंशन मत लो, थोड़ा सा सीखोगे तो फायदा होगा। अब मैंने बोला इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैंने बोला जो n होता है उसमें अब 2n आ गया, तो देखो n 2n और n+1 2n+1 y 2 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं हुआ, जैसे हम n की जगह 1 रख देते हैं, जैसे नंबर ऑफ टर्म तो 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, a हो सकते हैं, p हो सकते हैं, बाबा राम रहीम हो सकते हैं, राधेमा हो सकता है, अल्पा मोदी जी हो सकते हैं, सलमान खान राम, a का नाम तो कुछ भी हो सकता है, n का नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे ही 2n भी तो हो सकता है, n=2n, ऐसा गणित थोड़ा खेला होगा। मैंने बोला इसमें से अगर मैं घटा दूं, कौन से, ये वाले निकाल दूं मैं, तो कौन रह जाएंगे सर, ये वाले रह जाएंगे। इनका फॉर्मूला मैंने अभी निकाल रखा है, कैसा निकाला था, या तो इसको उठा लो न तो मुझे तो ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है याद रखने के लिए, ये वाला, बाकी तो हम कर ही लेते हैं। आपने बोला ओके, मैंने थोड़ी सी मैथ लगा डाली है,
कोर मैथ है, बस मेरा पता नहीं मन कर गया, तो मैं करता हूं ये। खासकर जब हम एडवांस की तरफ जाएंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं आता कि फालतू की क्या बकवास चल रही है, पर एक्चुअल में ये चीजें आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। मैंने बोला आप देखना सर, मैं अगर सॉल्व करने जाऊं तो थोड़ा थोड़ा सा गेम खेलूं तो देखना सर। मैंने बोला कैसे देखूं? मैंने बोला देखो, दो से तो दो यहां बिगड़ गया, तो यहां पानी खत्म होगी। अब देखना ये दो जब बाहर आएगा तो इसको खा जाए, क्योंकि स्क्वायर है दो। अब देखना, मैंने बोला एन अगर मैं कॉमन ले लू, समझना मैं एन स्क्वायर कॉमन ले लू, गुरु जी समझना ये क्या रह जाएगा, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर रह जाएगा। आपने बोला हाँ जी। तो मैंने बोला 4n स्क्वायर प्लस 1, अब 2 दूनी 4, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा रहा हूं, प्लस 2 दूनी 4 n। अब मैं जब माइनस करने जाऊंगा, इसमें सारे टर्म प्लस के, लेकिन इसकी वजह से माइनस के हो जाएंगे। तो देखो एन तो कॉमन आ गया स्क्वायर में। अब मैंने बोला एन स्क्वायर इंटू टू, टू सब में गुणा हो जाएगा, तो टू एन स्क्वायर। आपने बोला हाँ जी। मैंने बोला फिर टू वन का स्क्वायर वन, तो दो माइनस का दो, माइनस का दो रहेगा, देखना मैं भी गलती कर जाता हूं जोर जोर। फिर मैंने बोला क्या होगा, टू एन, तो टू एन यहां से दो ये, तो कितना होगा प्लस 4n। कोई नाराजगी? आपने बोला सर कोई नहीं है, प्लस क्यों, माइनस, देखो हम जो जो से मार गए गलती, सर सब में माइनस हो जाएगा, माइनस। आप चाहो तो एक स्टेप जल्दी से लिख सकते हो, मतलब एक स्टेप और बढ़ा सकते हो जिससे गलती ना हो, ठीक है सर। तो मैंने n स्क्वायर ले लिया, मैंने बोला 4n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर, तो 2n स्क्वायर माइनस 1 और माइनस का 2, तो माइनस 1। ये इस तरह से गंदगी हमारी फैली हुई है, इस वजह से ये फॉर्मूला आया था। लेकिन आपको क्या याद रखना, देखो उतार लेना, ठीक है, पॉज करके मैं बिगाड़ देता हूं, मुझे ज्यादा ये पसंद नहीं है गंदगी को, इतना कर दिया यही बहुत है, मैं चुपचाप से बिगाड़ के भाग रहा हूं। मैंने तो बस ये जानना था सर, जो मेरे काम का था, कि भैया इसका फॉर्मूला जब मैं निकालूंगा, तो मैंने बोला दो का क्यू लिख दो चुपचाप से, और वही वाला मेरा पुराना घिसा पिटा फॉर्मूला लिख दो। आपने बोला ओके। फिर मैंने बोला थोड़ा सा इसको धुल लो, जैसे आप मार्केट से नॉन वेज वाले जो खाते हैं वो लाते तो पहले धुलाई करते हैं, तो धुल लो, तो इससे ये बिगड़ गया, और थोड़ा सा और धुला तो मेरा क्या बन गया, एन स्क्वायर, और ये ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है, हल्की सी धुलाई कर ली। मैंने बोला इसे धुलाई को थोड़ा सा ना उल्टा सीधा घुमा लो, तो उल्टा सीधा घुमाया तो 2n स्क्वायर माइनस उधर ले गए तो माइनस हो गया। लॉजिक कोई नहीं है, फिर भी हम इलॉजिकल बातों को लॉजिकल बना रहे, और ये मेरा फॉर्मूला आ गया। कोई नाराजगी गुरु जी? कोई नाराजगी? आपने बोला नहीं सर कोई नाराजगी नहीं। एक दो छोटा मोटा सवाल रख देता हूँ, क्योंकि ये जो क्यू वाले हैं ना, इसमें नंबर टर्म थोड़े बड़े जाते हैं ना, तो सवाल में कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। इवन दो पेपर में जरूर आ जाएगा, पेपर में जब आता है तब हम आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। कैसे कर लेते हैं उनकी ही तो चर्चा होंगी आगे चल के, अभी तो मैंने फॉर्मूलों का आपके सामने काम कर दिया, छोटी मोटी मैं बात रख देता हूँ, ठीक है, जैसे फॉर्मूले याद से हो जाए। इनफैक्ट मैं यहीं से बात रखता हूँ, मान लो फिर एक सवाल रखूंगा, TA2 2018-17 के पेपर था, TA2 2018 में आए तो बहुत सारे सवाल थे, एक सवाल मैं प्रस्तुत करूंगा, इसकी फिर स्पेशली चर्चा होगी, हम फिर आएंगे इन गलियों में, इन गलियों में हम फिर से आएंगे सर, आना पड़ेगा, मजबूरी है, ये गलियां बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी गलियां हैं। तो मैंने बोला ठीक है सर। मैंने बोला मान लो मैं बोल लूं यहां 10 का क्यों, इसका सम निकालना है, तो आप चुपचाप से क्या बोलेंगे? मैंने बोला अब लास्ट टर्म नहीं पढ़ना, नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर टर्म कितने हो गए सर, 5, हमेशा इवन वाले में इसका आधे नंबर ऑफ टर्म्स हो जाते, बस मैंने बोला 2×25 ब्रैकेट में सर, मैंने बोला 5×1=36, कोई नाराजगी सर? आपने बोला नहीं सर। मान लो यहीं पर मैं क्या होता, यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा सर? मैंने बोला 11 का स्क्वायर, तो ये नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, 11 प्लस 1/2, तो ये कितने हो, 11 और 1 12, उसमें नंबर ऑफ टर्म मैंने कितने लिए, 5, तो 11 ले लिया, तो 11 1 12 6 आ गए, इसमें 9 लेता तो 5 आ जाते, कोई दिक्कत नहीं, तो 6 आ गए, तो मैंने बोला 6 पकड़ लो, तो देखो 6×36 ब्रैकेट में 36×72 और माइनस का, क्या करें थोड़ी सी, मैंने बोला ना अगर नंबर टर्म धोखे से मैं 25, 30, 40 रख दूं तो बहुत बड़ा हो जाता है, मैंने बोला बस सॉल्व कर लो, 25×50 से इसमें भाग दे दो, 360 पंजे कितना होगा सर, 180 और 1 0, कोई नाराजगी ना हो तो मैंने सही किया होगा। मैंने बोला देखो 50×25 है, 360
पंजे कितना हो जाएगा, 180, 180 में जीरो तो 1800 सम आ गया। अगर मुझे एवरेज निकालना होता तो नंबर ऑफ टर्म से कैसे भाग देता, ऊपर भी दे सकता था नीचे आके, कैसे भाई एन से भाग देता तो एन स्क्वायर ना करना पड़ता। ऐसे ही मान लो मैं यहाँ जाऊँगा सर 36 गुणा 72 में एक कम कर दिया 71, भी ये गुणा तो आप कर ही सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, ठीक है। बड़ी कैलकुलेशन आ रही होती है तो हम लोग इस पे और भी हथियार यूज कर लेते हैं। आपने बोला कैसे, तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा चर्चाओं के मोड में तो नहीं था, क्योंकि मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, थोड़ी सी बात होगी। तो मैं एक सवाल आपके सामने चलते चलते फिर भी रख देता हूं, फिर कुछ हम लोग क्या करेंगे सर, कुछ एवरेज की जो सवाल मुझे कराने वो, और इन गलियों में मैं बहुत जल्दी ही आने वाला हूं, तो आपको तब तक के लिए क्या होगा, ये थोड़ा सा चीजें आसान लग गई हैं तो बड़ा फायदा मिलेगा, लगेगा हाँ हाँ इनसे हम गुजरे हैं, क्योंकि ये हल्की सी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है। एक आपकी खुशी के लिए बात और बता दूं, देखो आसान चीजें तो हर बात निकल लेता, जो चीजें आपको परेशान करती है ना, और उन्हीं चीजों को अगर आपने आसान कर दिया तो देखा जाए ना, तो आपको एक फियर खत्म हो जाता है और कंपेरेटिवली आप मेंटली स्ट्रांग हो जाते हो, पहले से आप होशियार हो जाते हो। समझ लो, एक सवाल रखता हूँ, टीयर 2 2018 में आया था, मेरे पास पड़ा होगा सवाल, देखना। मैंने बोला था कि सवाल थोड़े बड़े हो जाते तो कैसे हालत खराब होती, अब देखना सवाल क्या था। मैंने बोला सर ये 2018 है सर, टीयर 2 2018, ये 17 का पेपर 18 में हुआ था, क्या करें ऐसा सी चलता है, इतना लेट है, ठीक है। मैंने बोला सवाल क्या था, 14 का क्यू प्लस 16 का क्यू प्लस डॉट 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 डॉट, एक और है प्लस, क्या फर्क पड़ता है, एक हो भी हो ना भी हो, हम समझते हो ये डॉट 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 प्लस 30 का क्यू, पता है क्या पूछा था, इसका सम पूछा था। अब देखना, इसको ऑप्शन देखो, आप ऑप्शन देख के कुछ बच्चा तो भाग जाएंगे अगर सवाल पेपर में आया तो। ऑप्शन देखो कितने घातक से, 1 3 4 5 7 6, ये एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। मैंने बोला 1 2 0 2 1 2, मैंने बोला ऑप्शन नंबर 3 क्या है सर, 1 1 5 6 2 4, ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4 भी मैंने यहां लगा लिया, क्या कह रहा है सर, 1 1 1 फिर 1 6 7 2, ये सर मेरे ऑप्शन थे, सम निकालना था। पहले तो बच्चा सोचेगा सर फॉर्मूला तो पढ़ा था लेकिन ये तो 14 से स्टार्ट हुआ है, तो पता बच्चे के दिमाग में क्या जाता है, ऐसा करता हूँ कुछ कॉमन लेके देखो, हो सकता है फॉर्मूला बन जाए, तो बच्चा 14 कॉमन लेगा, फिर 7 कॉमन लेगा, फिर 2, कुछ भी उसे फायदा नहीं होगा। आपने बोला सर फिर क्या करें, आपने बोला फिर क्या करें, मैंने बोला अगर ये शुरू से होता तो हम इवन नंबर्स का फॉर्मूला लगा देते थे, इवन का फॉर्मूला क्या था सर, याद करो 2 का क्यू था, तो यहीं से याद रखा करना, 2n² और n प्लस 1 का होल स्क्वायर, बोलो कोई नाराजगी। और ऑड का क्या था सर बताना मुझे, भटक से। आपने बोला कुछ नहीं सर, बड़ा आसान है, इसको यहाँ लगा के माइनस करो तो इसको अकेला रह जाएगा, तो n स्क्वायर बन जाएगा, यानी 2n² माइनस 1 और n स्क्वायर। मैंने बोला ओके ओके, इसका मतलब मामला आपको समझ आने लग गया। मैंने बोला अगर ये शुरू से रहा होता, कहाँ से, 2 से, तो मैंने बोला कहाँ से रहा होता, 2 के क्यू से, और कहाँ तक गया होता सर ये, और कहाँ तक गया होता, 12 के क्यू तक गया होता, यानी ये चीजें मेरे पास नहीं है। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं, अब देखना है हमें कैसे कैसे विचार करो। मैंने बोला पहले शुरू से लेके यहाँ तक का सम निकालो तो कैसे निकालोगे, देखना सर। मैंने बोला यही मेरा फॉर्मूला होता, लेकिन इससे पहले मैं याद करूँ तो मैंने याद रखने वाला क्या बताया था कि सर यहाँ 2 का क्यू कर लो, देखना, और एन एन प्लस 1 वाई 2 का होल स्क्वायर कर लो। आपने बोला बात तो सही है सर, यही मैंने बोला था, ठीक है, यही मैंने बोला था। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं इसको पकड़ा। मैंने बोला सर 2 का क्यू, सबसे पहले मैंने भाई क्या पकड़ा सर, सबसे पहले मैंने क्या पकड़ा, मैंने बोला यहां से यहां तक मैंने उठाया, तो मैंने बोला नंबर ऑफ पद कितने हो गए। आपने बोला सर 30 है तो 15 हो गए, तो मैंने बोला देखो 15 और गुणा 16, समझने की कोशिश करना, घबराना मत, होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने बोला माइनस कर दो, कौन से वाले पद जो हमें लेने नहीं चाहिए थे, इनको तो फायदा के लिए लाए थे, तो 2 के लेके 6 तक, तो 12 तक तो कितने पद हो गए, 6, तो मैंने बोला सर 2 का क्यू, समझना 2 का क्यू, और कितना हो गया सर 6 पद है, 6 और 1 7 बटे में 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, कोई नाराजगी सर। आपने बोला नहीं सर यहां तक तो कोई नहीं है, अब देखना सर। मैं देखो मुझे मालूम है यहां से 2 दूनी 2, ये हमारा 2 का क्यू है, तो 2 स्क्वायर बाहर निकलेगा तो कितना बन जाएगा, देखने की कोशिश करना सर, 2 रह जाएगा ये। अब गुरु देखना,
अब मेरी बात समझना। अच्छा मैं चलो ऐसा करता हूँ, इसको छोटा कर लेता हूँ क्योंकि मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। 2 8 16 और 2 3 6, मैंने ऐसा कर लिया। 2 का क्यों कॉमन ले लिया चुपचाप से बिना सोचे। अब देखना 15 8 120, देख लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, घबराना मत। माइनस, अब और देखो, देखना पता है इसमें मैं कई कलाकारी कर सकता था। देखना सर मैं इसमें क्या क्या कलाकारी कर सकता हूं, मैं कलाकारी को यहां भी कर सकता था, मुझे इसमें काफी हथियार सिखाने थे, पर कोई नहीं, मैं सिखाने के लिए अभी काफी वक्त है। 7 3 21 का होल स्क्वायर। देखना सर मैं यहां चला गया, आपने बोला सर चले गए। देखो मैं अगर देखूं ना तो मैं ये देखता, इतने बड़े बड़े ऑप्शन है, मैं पूरी कैलकुलेशन करके ना इसमें मैं क्या क्या हथियार लगा सकता हूं। मैंने बोला कि सब में लास्ट 2 डिजिट अलग अलग है, सब में लास्ट 2 डिजिट अलग अलग है, तो मैं सिर्फ लास्ट 2 डिजिट मैच करा लेता, मेरा आंसर आ जाता। आपने बोला ये क्या हथियार है, मैंने बोला ये हथियारों की चर्चा मैंने पहले बहुत करी थी, थोड़ा बहुत आप मैथ पढ़े होंगे, तो मैंने बोला लास्ट 2 डिजिट चेक करानी हो तो हम 2 ही डिजिट पकड़ते हो, तो मैंने बोला देखो 2 2 4 2 8 है, ठीक है सर। मैंने बोला ये कितना, इसकी 2 डिजिट कितनी, 20 20 400, तो कितना आएगा सर, सिर्फ 2 0 आएंगे। आपने बोला है, मैंने बोला हाँ, आखिरी की 2 डिजिट पकड़ा, पर मुझे मालूम है ये 00 नहीं है, इससे पहले मैं 1 भी पकड़ सकता हूँ, 100 भी, उसका 100 पकड़ लिया। मैंने बोला वो कितना, 21 का स्क्वायर क्या होता है 21 41, तो मैंने कितना ले लिया 41 ले लिया। 41 अगर ये ले लिया तो सर मैंने बोला कितना रह गया सर, 59 रह गया। 59 8 9 72 के 2 हाँ से 7, 8 5 40 47, तो आखिरी में कितना रहा 72, तो 72 कितने में, 72 इसमें, यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर। ये काम ना मैं ऊपर भी कर सकता था, मुझे सिर्फ 2 डिजिट पकड़नी होती, 2 को बाहर निकालता, इसका मैं 16 15 यहां से 2 डिजिट निकालता, यहां से 2 डिजिट, यहां भी मैं मार के निकल सकता था, समझो मेरे। तो मैंने बोला जब कैलकुलेशन होती है तो हमारे पास और भी हथियार है, ऐसा नहीं है अब जैसे चाइना हमारा चैन नहीं मार रहा, तो मानते हैं हो सकता है कंपेरेटिवली हमसे पावरफुल है, लेकिन ऐसी बात नहीं, हमारे पास भी तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं कि चाइना की भी ऐसी तैसी कर सकता है, बिल्कुल रास्ते, तो बहुत सारे रास्ते होते हैं लोगों के पास, पर लोग हद से गुजरना नहीं चाहते कई बार, ठीक है। मैंने बोला इसको और भी मैं विचार कर सकता था, और क्या विचार कर सकता था, समझने की कोशिश करना सर, और क्या कर सकता था। मैंने बोला देखो 2 2 4 2 2 4 2 8, ये 8 है तो मैं 8 का मल्टीपल भी देख सकता था, पर मुझे ऐसा लगा कि सारे इवन नंबर, हो सकता है 8 के मल्टीपल 1 से ज्यादा हो जाए, 2 ऑप्शन हो जाए तो हो सकता है ज्यादा मेहनत पड़े, 3 ऑप्शन हो जाए। मैंने बोला और कोई हथियार है, आपने बोला हाँ सर देखते। मैंने बोला देखो 120 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मैंने बोला 120 में से 121 अगर घटाऊंगा, ए माइनस बी करूंगा, तो सर कितना आ जाएगा। आपने बोला 99, ए प्लस बी कितना आ जाएगा सर 2 141, तो मैंने बोला 99 किससे बना, 11 × 9 से, तो मैंने बोला 9 का मल्टीपल या 11 का मल्टीपल भी मैं चेक कर सकता हूँ। आपने बोला अच्छा, चूंकि 9 का मल्टीपल चेक करना बड़ा आसान है, हम लोग क्या करना पड़ता है सर, हमें लग रहा है कैलकुलेशन बहुत ज्यादा, 9 का मल्टीपल चेक करना क्या डिजिटल रूट, इसी से डिजिटल मेथड बना है, तो हमने बोला उसमें क्या 9 के पेयर बना लो, तो मैं बहुत जल्दी से गया। मैंने बोला देखें, मैंने बोला क्या है देखो 6 4 5 9 हटाओ, 9 का मल्टीपल है तो 9 9 के पेयर बनाओ, 6 7 8 9, 7 और 1 8 नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। मैंने बोला इसमें आया 2 1 3 4 5 6 7 8, ये भी नहीं हो सकता। मैंने बोला 4 2 6 6, ऐसे देखो 5, हाँ चलो 4 2 6 और 6 7 8 और 6 और 5 11, 11 8 19 नहीं है, बात खराब हो गई। मैंने बोला 6 7 8 9, ये भी 9 7 8 9, वाह काम खत्म हो गया, बाकी आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते। तो बेसिकली मैंने आपसे क्या बोला, मान सकता हूं कि यहां पर थोड़ा सा आपके हाथ डगमगाए होंगे, कई बार मैं समझाने के चक्कर में 1 2 स्टेप आगे भी बढ़ गया, लेकिन पेपर में आंसर मानना होता तो हमारे पास और भी बहुत सारे हथियार होते, तो कैलकुलेशन थी पता नहीं इससे भी बड़ी बन सकती थी, या 30 था उससे ज्यादा भी जा सकता था, तो समझ पा रहे। तो मैंने बोला यहां मैं क्या क्या हथियार लगा सकता था, मैं सबसे पहले यही चेक कर लेता कि भाई इसका क्या ये क्या 9 का मल्टीपल चेक कर लेता, 11 का मल्टीपल चेक कर लेता, कई बार ऐसा होता है कि मैं 8 का मल्टीपल चेक करने से हो सकता है 2 ऑप्शन भाग जाते, जब 2 भाग गए तो रह गए 2, उनको फिर 9 के मल्टीपल से चेक कर लो, तो उस समय पे जो रिसोर्सेज हमें पल्ले पड़ जाए, ये कहां से आता है जब हम मॉक बार बार लगाते हैं, हम प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर रहे होते, तो अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपको पढ़ाया जाता है, जो भी कॉमनली आपको पढ़ाया जाता है, हर टीचर पढ़ाया होता है, उसके अलावा जो लोगों की अपनी खुद की मेहनत से कुछ निचोड़ निकला होता है, समझ लो, वो भी आपको फायदा करता है।
ठीक है, वो निचोड़ हम आपको बताएंगे। आप हमारे पुराने प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन उठाना तो मैं गारंटी देता हूं, आप मैंने बहुत सारे बच्चे तो जो जो मैंने हथियार यूज किए ना बहुत सारी जगह पे, आपको लोगे हैं ऐसे भी सोचा जा सकता है, मैं गारंटी देता हूं आप उछल के जाए पड़ेंगे। आपको लोगे वह क्या है सर साला, ये तो हमने आज तक सीखा ही नहीं। वहीं पे समझ आता है कि जो सामने वाला बंदा खड़ा हुआ है या फिर कोई भी सामने वाला एज ए स्टूडेंट एज ए टीचर कि एक्चुअल में इसने किस लेवल पर जाके तैयारी करी। इंडियन पिचों पे नहीं पता लगता कोई प्लेयर कितना महान है इंडिया का, पता लगता है जब फॉरेन कंट्रीज में जाके परफॉर्म कर रहा होता है कि यहां भी कर रहा वहां भी कर रहा, तब उसका लेवल पता लगता है। अब घर में आप अपनी झाड़ू से खेल रहे हो, चौका बगल में हो, तो वहां पर तो सारे लोग चौका मार के शतक बना लेते, समझ रहे हो ना। तो लेवल हमारा जो हमने जो एक्स्ट्रा मेहनत करी है उसका निचोड़ तब पता लग रहा होता है जब हम खतरनाक जगह पे जाके भी बिना पसीना के बिना किसी टेंशन के हम लोग खड़े हैं, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वहां पे हमें वो मेहनत फायदा करती है। बाकी इजी सवालों में मॉडरेट सवालों में तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा होता, एक ज्यादा मेहनत करने वाले में और एवरेज मेहनत करने वाले। समझे थे कि छोटी सी बात थी, मैं मार के निकल गया क्योंकि भाई पेपर में आया हुआ था, तो मेरा मन किया कि मैंने बोला हाँ इसकी भी थोड़ी बात कर लूं, कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना, इनकी और भी चर्चा होगी। ये थोड़े से बच्चों को दिमाग की दही करने वाले होते, हल्का सा बच्चों को टेंशन देने वाले होते, तो इनमें हम और भी एक्स्ट्रा सवाल दिमाग लगा रहे होते। बस आज मैंने जो तुम्हारा दिमाग खराब करना था, फालतू की बकवास करनी थी, यहीं तक इसमें रखी थी। अब मैं वैसे मुझे एवरेज के सवाल करने थे पर मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं मुझे अंदर से फील आ रहा, अच्छा एक सवाल रख देता हूँ बस, ठीक है एक एवरेज का सवाल रख देता हूँ। मैं सवाल तो मेरे पास बहुत थे, 8-10, 7-8 सवाल थे, पर मेरा टाइम मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी बहुत चीजें हैवी हो गई और ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता। तो देखो ये पेपर में आया हुआ है, ये कई जगह इसके मतलब ऑलमोस्ट एसएससी सीजीएल जो किरण की बुक है उसमें भी सॉल्यूशन गलत दे रखा है, मैंने कई किताबों में देखा सॉल्यूशन गलत दे रखा है, डिफिकल्ट नहीं है लेकिन सॉल्यूशन गलत दे रखा है। तो मैं ये सवाल आपके सामने रखता हूं, मैं यही लिख दे रहा हूं जिससे कि आपको ज्यादा टाइम ना देना पड़े। सवाल क्या है, ये बोला ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी आर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, ये इवन नंबर है कॉन्जिक्यूटिव, कितने हैं 7 नंबर है, 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। हर बच्चे ने जिसने भी किरण उठाई होगी उसमें ये सवाल पाया जाता है, सॉल्यूशन गलत है। और क्या कह रहे हैं, जे के एल एम, जे के एल एम एन आर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, ये ऑड है लेकिन ये 5 नंबर। अब देखो इसमें ये नहीं बोला कि ये और ये कॉन्जिक्यूटिव, वही फर्स्ट एन कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, फर्स्ट एन कॉन्जिक्यूटिव ऑड, ऐसा बोला नहीं है उसने, ठीक है। तो हम पहले से अपनी तरफ से कुछ ऐसा परसेप्शन नहीं बना सकते। तो ये पूछ रहा है तो एवरेज बताओ सभी नंबर्स का। देखो इसमें ऑप्शन तो ऐसे दे रखे हैं बड़े अजीब से जबकि सारे के सारे ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये प्रीवियस में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में, ये एक्चुअली इसको वो आंसर मारते हैं जबकि ये गलत है। ये तब पॉसिबल था जब ये नंबर सेम होते, तब तो कोई दिक्कत नहीं, जब सेम होते तो हम वेटेड एवरेज लगाते हैं, जब रेशियो एक अनुपात एक है तो बस 1:1/2 हो जाता। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको बहुत पढ़ा रखा है मैंने, इतना एवरेज आपको पढ़ा दिया कि आप अच्छे से अगर रिविजन मार लेना तो मैं गारंटी देता हूँ उंगलियों पर करोगे। इनफैक्ट हर चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत कमियां रह जाती हैं 10-5% के कुछ भाई मॉक के सवाल नहीं हो पा रहे, उसके लिए हम लोग मॉक की प्रैक्टिस करते हैं और थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हैं। मैंने बोला बड़ा सिंपल है सर, मुझे बताओ कि हमारे नंबर ऑफ और नंबर ऑफ टर्म है तो ये मेरा एवरेज हो जाएगा, इसमें ये मेरा एवरेज हो जाएगा, तो बड़ा सिंपल सा है, इसमें ये फालतू का सब ड्रामा था। मैंने बोला वेटेड एवरेज लगाने जाओगे ये 7 टर्म है ये 5 टर्म है, तो आप सीधा बोलोगे 70+5L और 2। ये एक बच्चे ने मुझे पूछा था, मैंने उठा के रख दिया, वैसे तो इसमें खास था नहीं पर बच्चे बोले सर सॉल्यूशन गलत आ रहे, तो ये नहीं हो सकता, ये तब हो सकता था, ये 7 है तो ये 7, तो 7 कॉमन आगे कट, 2 नहीं होगा सर, कितना होगा 7 और 5 12 है। हाँ अगर 2 के से यहाँ भी 5 है ये भी 5 होता तो ये 5 और 5 10 होता, 5 कॉमन कट जाता तब क्या रह जाता, ये वो रह जाता, या ये 7 है तो ये भी 7 होता, नंबर ऑफ टर्म सेम होते। बाकी जहां भी जो भी आपने सॉल्यूशन दे रखा है वो सारे के सारे सॉल्यूशन गलत है, आपने कहीं भी देखे होंगे, सिर्फ इतनी लैंग्वेज पर, कोई और लैंग्वेज दे रखी हो कुछ और बात दे रखी तो मैं कह नहीं सकता, सिर्फ इतनी लैंग्वेज पर जो आपके एग्जाम में एसएससी सीजीएल आई थी उसके हिसाब से आपका आंसर 70+5L/12 इज ओनली द राइट आंसर, ठीक है। बाकी सब फालतू का ड्रामा है, वो जो लोगों ने ये आंसर मारा है वो उन्होंने ऐसे मार दिया कि भाई इनका एवरेज और फिर ग्रुप का एवरेज निकालना तो दोनों का वेटेड, दोनों का एवरेज निकाल, तो दोनों का एवरेज नहीं निकाल सकते, दोनों का वेटेड एवरेज निकालिए, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स अलग अलग है, यहीं पर लोग चूक खा गए, यहीं पर गलती कर गए। तो आपने बोला सर आप श्योर हो ऐसी गलती हो गई है, मैंने बोला एसएससी ने तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी तुच्छी सी गलती करी है बहुत सारी जगह पर कि आप बोलोगे हैं ऐसा है,
मेरी जगह किया है। बहुत सारी जगह पे बंदा बोला कि यार ये तो एक छोटे से छोटा बंदा भी गलती नहीं करेगा, लेकिन ऐसे लोग करते हैं ये गलतियां। आप किताबों में ऐसे सॉल्यूशन पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं? उस समय पर जिसने सॉल्यूशन बनाया होगा, क्या उसके दिमाग में आया होगा? कोई परफेक्ट तो होता नहीं। कई बार मैंने बोला बहुत सारे बड़े लोग भी छोटी छोटी ऐसी गलतियां मार जाते हैं। आप बोलोगे हैं ऐसी कोई गलती कैसे कर सकता है, करते हैं लोग, हमसे भी होती है। ठीक है, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में गंदगी बहुत फैलाई गई है, लेकिन निश्चित रूप से आपके दिमाग में कुछ, निश्चित रूप से आपके अंदर जो बर्फ बनी हुई है वो थोड़ी सी पिघली होगी, और यही बर्फ आपको एडवांस वाले पार्ट में अगर पिघलने लग गई तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। अर्थमेटिक तो वैसे भी चुटकियों को होना स्टार्ट हो जाता है एक समय के बाद। इनिशियली तो हर चीज बच्चे को डिफिकल्ट लग रही होती है। एडवांस में एक्चुअल में है क्या कि पेपर में नया सवाल सोचना बहुत मुश्किल होता है, खासकर ज्योमेट्री, मेंसुरेशन वगैरह में, हर चैप्टर में। तो इसलिए मैं उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने पड़ते हैं जिससे पेपर में कोई नया ना है। ठीक है, तो इसी सोच के साथ आज मैं आपसे विदाई लेना चाहूंगा। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो निश्चित रूप से कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो। आप लोग कमेंट करते हो तो आपको विश्वास नहीं होगा, मैं मानता हूं हर बच्चे का जवाब नहीं देना पाता, लेकिन अंदर से कुछ और बेहतर डालने का मन करता है, कुछ और बढ़िया देने का मन करता है। ठीक है, तो कमेंट जरूर किया करो, शेयर भी करो, लोगों को बताओ। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि मैं जो कंटेंट आपको दे रहा हूं एकदम अपडेटेड तो मेरा हमेशा से ही है, लेवल भी मेरा हमेशा से बढ़िया रहा है, गारंटी से दे सकता हूं इससे बेस्ट आपको नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, ये मेरी मेहनत बोलती है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए उत्साह, नए जोश के साथ। बाय।